नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रीका का एक ऐसा तेज गेंदबाज जो अपनी नाक और गाल पर क्रीम लगाकर अपनी गेंदबाजी से अच्छे अच्छे बल्लेबाजों में खोफ पैदा कर देता था, जिनकी ये गलती ने उनके पूरे क्रिकेट करियर को बुरी तरह तबाह कर दिया। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के शानदार तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड की। साल 1999 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही। इस मैच में एलन डोनाल्ड ने ऑस्ट्रेलिया के शानदार बल्लेबाज मार्क वो और एडम गिलक्रिस्ट रिकी पोंटिंग के बीच बन रही लंबे साझेदारी को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि एलन डोनाल्ड यहीं नहीं रुके, जिसके बाद उन्होंने रिकी पोंटिंग और डेरेन लेमन को एक रन पर आउट कर कंगारू टीम को पवेलियन भेजने पर मजबूर कर दिया। इस मैच में शॉन पोलाक ने 36 रन देकर 5 और एलन डोनाल्ड ने 32 रन देकर 4 विकेट लिए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 49.2 ओवर में 213 रन ही बना सकी। साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरह इस मैच में बुरी तरह लड़खड़ा गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के फ्रीकी गेंदबाज शेन वॉर्न ने सिर्फ 8 गेंदों में हर्शल गिब्स और गैरी क्रिस्टन को बोल्ड करके इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को शानदार वापसी कराई। साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 13 रनों के अंदर ही 4 विकेट गिर गए थे। टीम का स्कोर 61 रन पर 4 विकेट हो गया था, जिसके बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जैक कैरिस और जोंटी रोच ने 5वें विकेट के लिए 84 रनों की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन शेन वॉर्न की नाश्ती बॉलों के आगे ये दोनों बल्लेबाज भी ज़्यादा देर टिक नहीं सके। इस वर्ल्ड कप में लांस क्लूजनर शानदार फॉर्म में चल रहे थे। मैच के आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका टीम को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। लांस क्लूजनर ने डेमियन फ्लेमिंग के पहले 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए, जिसके बाद मैच टाई हो गया। टीम को अब जीत के लिए 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही बनाना था और इस टाई पे थे लांस क्लूजनर। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना, जिसके बाद चौथी गेंद को लांस क्लूजनर ने स्ट्रेट खेलने के साथ ही रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े एलन डोनाल्ड ने गेंद को बस देखते ही रह गए। लांस क्लूजनर रन लेते हुए डोनाल्ड के पास पहुँच चुके थे और एलन डोनाल्ड ने जब तक दौड़ लगाई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वह रन आउट हो गए। दोस्तों, इस मैच में बेहतर रन रेट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया टीम इस वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच गई। एलन डोनाल्ड की इस छोटी सी गलती को देखकर साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी काफ़ी मायूस हो गए, जिसके बाद एलन डोनाल्ड आज भी उस वर्ल्ड कप को याद करके काफ़ी भावुक हो जाते हैं। उस पल को याद करके एलन डोनाल्ड कहते हैं कि यदि मैंने उस समय 1 रन ले लिया होता तो हमारी टीम फाइनल तक पहुँच जाती, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।